अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि हमने केस के ऊपर पर्दा लगा लिया है। कल असर के वक्त काफी तेज तूफान आ गया था, तो इसलिए फिर हमने जल्दी जल्दी केस के ऊपर पर्दा लगाया ताकि हमारे बर्ड्स सेफ रह सकें, उनको सर्दी ना लगे। अगर उनको सर्दी लगती तो फिर वो बहुत जल्द बीमार होते हैं, जिसकी वजह से फिर हमें काफी नुकसान होता, इसलिए हमने जल्दी जल्दी पर्दा लगा लिया था। अच्छा है कि हमने केज के ऊपर पर्दा लगा लिया था, क्योंकि कल सारी रात बारिश हो रही थी और काफी सर्दी थी। तो चलो अब हम चलते हैं अपने केज के अंदर और देखते हैं कि बर्ड्स की क्या सूरत हाल है। तो आप लोग हमारे साथ रहिए। दोस्तों, हम केज के अंदर जैसे ही आए तो हमने देखा कि सारे बर्ड्स धूप वाली साइड पे बैठे हुए थे। शायद रात को बारिश की वजह से काफ़ी सर्दी थी, इसलिए वो सुबह जैसे ही धूप निकली तो वो सब धूप वाली साइड पे आके बैठ गए। तो हमने फिर ऐसा किया कि इनका फीड धूप वाली साइड पे रख दिया, तो फिर देखा कि ये काफ़ी इंजॉय करके अपना फीड खा रहे थे। दोस्तों, हमने छोटे केज में जो लव बर्ड्स रखे हैं तो शायद माहौल चेंज होने की वजह से उनसे वो लव बर्ड्स को हाई इन्फेक्शन हो गया था। तो इसलिए हमने उसमें एक केज से निकाल के उनको दूसरे अलग से केज में रख दिया है, ताकि उनके साथ और जो लव बर्ड्स हैं तो वो उससे इन्फेक्ट ना हो सके। तो चलो आपको दिखाते हैं। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि हमारे लव बर्ड्स को आई इन्फेक्शन हुआ है, एक को तो काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ है। तो हम इनका ट्रीटमेंट वगैरह कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये जल्द अज़ जल्द ठीक हो जाएंगे। फिर इनको हम अपने पेयर्स के साथ इनके उनके केज में मुंतकिल कर देंगे। दोस्तों, तो हमारी जो आई से इन्फेक्टेड जो बर्ड है ना, लव बर्ड, आज देखे मैंने वो काफी कमजोर हो चुके हैं। तो इसलिए हम उनको लाइसोलेट जो ताकत की दवाई है वो दे रहे हैं कि वो खुराक ज्यादा करें और उनकी सेहत भी काफी अच्छी हो। दोस्तों, धूप अच्छी थी तो इसलिए हम अपने मुर्गी और मुर्गे को छत पे ले आए ताकि ये फीड भी खा सकें और साथ में धूप भी एंजॉय कर सकें। आ!
दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि हमारा मुर्ग काफ़ी एग्रेसिव है, यह छोटे चूज़ों को दाना खाने नहीं देता। तो जब मैं दाना अपनी जगह पे वापस रख के आया तो देखा कि मुर्ग ने चूज़े को मार दिया था। उस वक्त मेरी भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं, क्योंकि वो बच्चा काफ़ी तड़प रहा था, लेकिन वो कुछ ही देर बाद अपनी सांस खो बैठा।